अगर आपके पास Redmi, Poco या Xiaomi का डिवाइस है और उस डिवाइस में पासवर्ड लगा हुआ है और इस पासवर्ड को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं है कि आप यहाँ पे पासवर्ड को तोड़ सकते हैं। इसका सिंपल एक ही उपाय है कि आप अपने मोबाइल को अगर हार्ड रिसेट कीजिएगा, हार्ड रिसेट करने के बाद आपको एक सेटिंग करना है जिससे ये पासवर्ड भी चला जाएगा और आपका जो मोबाइल है वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो कैसे आप यहाँ पर हार्ड रिसेट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पावर बटन को प्रेस करके रखना है और अपने मोबाइल को दोस्तों यहाँ पर ऑफ कर लेना है। फिलहाल यहां पे देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल को यहां पे ऑफ कर लेता हूं, आप भी अपने मोबाइल को यहां पे ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ करने के बाद पावर बटन और जो वॉल्यूम अप बटन देखने मिला इसको दोस्तों आपको यहां पे एक साथ इस प्रकार से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे कुछ देर वेट करना है। देन यहां पे मी का लोगो देखने मिलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है इस प्रकार से यहां पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं मेन मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा जिसमें रिबूट का ऑप्शन है, वाइप डाटा का ऑप्शन है, कनेक्ट विद मी असिस्टेंट का ऑप्शन है और सेव मोड वाला ऑप्शन मिलेगा। तो वॉल्यूम डाउन बटन से इस प्रकार से आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहां पे वाइप डाटा वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है इसको सिलेक्ट करना है, देन पावर बटन को आपको प्रेस करना है, देन फिर से आपको यहां पे नीचे में वाइप ऑल डाटा वाला ऑप्शन मिलेगा इसको सिलेक्ट करें, देन पावर बटन को आप प्रेस करें, देन यहां पे कंफर्म वाले को सिलेक्ट करें और पावर बटन को प्रेस कर दें। यह करने से क्या होगा कि आपके मोबाइल का जो वाइप डाटा रिसेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको दोस्तों आपको क्या करना है, 2 से 3 बार इस प्रकार से आपको यह कर लेना है जिससे अगर आपके मोबाइल में कोई इशू भी होगा तो वो भी दोस्तों आपको यहां पर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां पे 2 बार कर लेता हूं। ये करने के बाद फिर से आपको पावर बटन को प्रेस करना है, देन उसके बाद ऊपर में आपको रिबूट का ऑप्शन मिलेगा, रिबूट वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, देन पावर बटन को प्रेस कर देना, देन उसके बाद रिबूट टू सिस्टम और बैक टू मेन मेन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको रिबूट टू सिस्टम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको फिर से पावर बटन को प्रेस कर देना है। और यह प्रेस करने के बाद अब आपको यहां पर सेटअप देखने मिलेगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं MIUI 14 देखने मिल रहा है। सबसे पहले आप क्या करें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने में यहाँ पे लैंग्वेज देखने मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंडिया वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी कंट्री आप रहते हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया को सिलेक्ट करूंगा। देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको चूज कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा जिसमें जीबोर्ड है, गूगल वॉइस कीबोर्ड है और कीबोर्ड फॉर Xiaomi का ऑप्शन देखने मिलता है। तो जो कीबोर्ड आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पे क्या करता हूं, जी बोर्ड को सिलेक्ट कर लूंगा, देन यहां पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद आप यहां पे देखें टर्म एंड कंडीशन देखने मिलेगा, इसको आपको अलाउ करना है, नहीं तो नेक्स्ट यहां पे नहीं जाएगा। तो इसको आप अलाउ करें, देन उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चेकिंग फॉर सिम कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, सिम कार्ड आपका लगा है तो चेक करेगा, नहीं लगा हुआ है तो यहां पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर वाईफाई का ऑप्शन यहां पर देखने मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल में दूसरे मोबाइल से एक बार क्या करना, हॉटस्पॉट को ऑन करके यहां पे वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो जो पुराना यहां पे पैटर्न पासवर्ड डाला हुआ है वो मांगेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बार यहां पे वाईफाई को कनेक्ट कर लेना। तो चलिए वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पे वाईफाई को कनेक्ट कर लिया। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद आपको यहां पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, गेटिंग योर फोन रेडी का ऑप्शन यहां पे देखने मिलेगा। देन उसके बाद आपको यहां पे वेट करना है। देन उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कॉपी एप्स एंड डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, डोंट कॉपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अभी आप यहां पे देख सकते हैं जीमेल अकाउंट का यहां पे लॉगिन एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे स्किप पे क्लिक कर देना है और स्किप पे क्लिक करें, फिर से आपको स्किप पे दोस्तों यहां पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गूगल सर्विस यहां पे देखने मिलेगा जिसमें लोकेशन है, लोकेशन को आपको बंद कर देना है, स्कैनिंग को बंद कर देना है, सेम यूजर्स एंड डायग्नोसिस डाटा वाला ऑप्शन मिलेगा इसको बंद कर देना है, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। देन उसके बाद यहां पे सेट स्क्रीन लॉक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप यहां पे अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, लॉक स्क्रीन लगा सकते हैं, फेस अनलॉक करना है फेस अनलॉक कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप बाद में सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या करें, स्किप पे क्लिक कर दें। सिंपली आप यहां पे देख सकते हैं रिव्यू एडिशनल एप्स वाला ऑप्शन देख मिलेगा, देन आपको यहां पे ओके पे क्लिक कर देना है। देन गेटिंग योर फोन रेडी का ऑप्शन यहां पे देख मिलेगा और उसके बाद आपको यहां पे वेट करना है। देन उसके बाद यहां पे देखे बेसिक सेटिंग देखने मिलेगा, बेसिक सेटिंग में लोकेशन है, लोकेशन को आप बंद करें, डायग्नोसिस डाटा वाला ऑप्शन को बंद करें, पर्सनल एड यहां पे आ गया, अगर आप इसको बंद नहीं कीजिएगा तो मोबाइल में आपको एड देखने मिलेगा, इसलिए पर्सनल एड वाले ऑप्शन को आपको टर्न ऑफ कर देना है। देन ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट होगा, इसलिए इसको आपको क्या करना है, ऑफ पे क्लिक करके
अपडेट को बंद कर लेना है, ग्लेंस फॉर मी का ऑप्शन मिलेगा इसको बंद कर देना है, देन आपको यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करना है, यूज एक्सपीरियंस प्रोग्राम वाला ऑप्शन मिलेगा इसको आपको बंद कर लेना है, और MIUI डेमन परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, जो भी डाटा होता है वो MIUI के सर्वर में जाता है इसलिए इसको भी आपको यहाँ पे बंद कर लेना है। करना है अपडेट एप्स ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा इसको भी दोस्तों आप यहाँ पे बंद करें, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे। देन उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट लॉन्चर देख मिलेगा, आपको क्लासिक यूज करना है, ऐप ड्राइवर यूज करना है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करें और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रिपेयरिंग सिस्टम वाला ऑप्शन देख मिलेगा और जस्ट सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और देन उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोबाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और जो भी पुराने डिवाइस में यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाला हुआ था वो दोस्तों देख सकते हैं, कोई भी पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे मांग नहीं रहा है। और इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को तोड़ सकते हैं और अपने मोबाइल को हार्ड रिसेट कर सकते हैं।